भाई यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने खड़ी है भाई टोयोटा ग्लैंजा। बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा में भाई कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ एक इनके लोगों का फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। वेरिएंट की मैं आगे आगे जाके बात करूंगा। बाकी ये आपके सामने जो वेरिएंट खड़ा है ये जी वेरिएंट खड़ा है। ग्लैंजा में भाई दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है वी और एक आता है जी। ये जी वाला वेरिएंट खड़ा है भाई हमारे सामने, पेट्रोल वेरिएंट है ये। अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो इसमें 1200 सीसी का इंजन आता है, सेम बलेनो वाला और स्विफ्ट वाला सेम इंजन इसमें आता है भाई, कंपनी देती है। और 81.80 बीएचपी की पावर जनरेट करता है भाई 6000 आरपीएम पे, और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क है 4200 आरपीएम पे, यानी 4200 आरपीएम पे। और भाई ये हमारे सामने ये मैनुअल ट्रांसमिशन खड़ा हुआ है, अगर हम ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमको देखने को मिल जाता। गाड़ी के अगर मैं फ्रंट से बात करूं तो भाई फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाएगी, नीचे आपको फॉग लाइट देखने को मिल जाएगी। सामने से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, टोयोटा का बीच में लोगो देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगी क्रोम की, साइड से ये सेम प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर की लाइट देखने को मिल जाएगी, नीचे आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाएगी। साइड से कुछ गाड़ी की ऐसी प्रोफाइल आती है भाई। गाड़ी के टायर की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे एक कंपनी ने, अभी बिल्कुल नई गाड़ी है यार, बिल्कुल नई गाड़ी है, मतलब आप यूँ लगा लो ओनर ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2000 किलोमीटर चली है, सिर्फ 2000 किलोमीटर गाड़ी चली है। अपोलो के टायर इसमें कंपनी देती है, R16 हैं, अलॉय व्हील आते हैं इसमें, सामने डिस्क देखने को आपको मिल जाएगी। गाड़ी की अगर मैं साइड से बात करूं तो गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। इधर देखोगे आप तो भाई आपको यहाँ पे ये क्रोम की फिनिश में यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगी, ORVMs देखने को मिल जाएंगे, LED ORVMs पे देखने को मिल जाएगी, ये क्रोम की फिनिश में आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम पीछे भी ऐसा ही होगा, और पीछे ये ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएंगे आपको R16 टायर के साथ। गाड़ी भाई ऐसी कुछ लुक देती है पीछे से, बहुत अच्छी लुक दे, मतलब बहुत अच्छी तो क्या है, ये बलेनो है यार, बिल्कुल बलेनो है, बस इसमें टोयोटा का लोगो लगा दिया। पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, कैमरा इस वाले मॉडल में नहीं आता है, ये ओनर ने बाहर से लगवाया हुआ है ऊपर पैसे देके। ये जी वेरिएंट है, टोयोटा इसमें एक वी वेरिएंट भी देता है जो ऑटोमेटिक आता है। यहाँ पे आपको वाइपर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट देखने को मिल जाएगी, यहाँ बीच में आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ग्लैंजा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। पीछे से भाई गाड़ी कुछ ऐसा लुक देती है। यहाँ पे हेलोजन आपको रेड लाइट देखने को मिल जाएगी, ब्रेक पे जो जलती है, यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाएगी, यहाँ बैक लाइट देखने को मिल जाएगी आपको। साइड से कुछ गाड़ी ऐसा लुक देती है, ऐसा कुछ गाड़ी लुक देती है भाई। इधर से अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी कुछ ऐसा लुक देती है, ऐसा गाड़ी कुछ लुक देती है। पीछे आपको एंटीना इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको गाड़ी का 360 एक बार राउंड दोबारा दे दूं तो ये देखो भाई, मतलब प्रॉपर हैचबैक है यार गाड़ी, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। मेरे को तो मतलब बलेनो से ज़्यादा अच्छी ग्लैंजा अच्छी लगती है, क्योंकि यार टोयोटा के फायदे हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि जो बलेनो ओनर्स हैं कहीं वो नाराज़ हो जाएं, मैं ये नहीं कह रहा बलेनो अच्छी नहीं है, बलेनो भी अच्छी है यार, मगर टोयोटा का थोड़ा मेंटेनेंस, मतलब आप समझ रहे हो ना, सर्विसिंग अच्छी है टोयोटा की, मेंटेनेंस वगैरह सब सेम है, बस ये यहाँ पे अपना लोगो लगा के दे रहे हैं, जैसे अर्बन क्रूजर और विटारा ब्रेजा का है, बस सेम ऐसा ही है, वो सिर्फ यहाँ पे आपको अपना लोगो लगा के दे रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे गाड़ी की चाबी की बात करूँ तो भाई गाड़ी की चाबी कुछ ऐसी दिखती है। ये देखो यहाँ पे आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक देखने को मिल जाएगा, ऐसी कुछ गाड़ी की चाबी दिखती है। जैसे ही मैं खोलूंगा ये टिक टिक दो बार करेगा, एक बार करेगा, दो बार करेगा। गाड़ी के मैं अगर आपको अंदर लेके चलूं तो भाई ऐसे सिंगल उसमें आपको गाड़ी का दरवाजा देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक, दो ट्विटर गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे, 4 स्पीकर आपको गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। ये भाई ऑटो नीचे के लिए भी है और ऊपर के लिए भी है। यहाँ पे आपको ये अगर दोबारा और शीशे बंद करने तो और के लिए, ये लॉक अनलॉक लॉक अनलॉक, ये ORVMs खोलने के लिए हैं, बंद करने के लिए हैं, ये जब गाड़ी स्टार्ट होगी ये लेफ्ट राइट का आप अपना ORVM एडजस्ट कर सकते हो। ऐसी कुछ गाड़ी दिखती है, बोतल होल्डर आपको गाड़ी में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के अगर मैं आपको अंदर लेके चलूँ तो भाई ये दरवाजा खुला हुआ है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको टैकोमीटर मिल जाएगा, 8000 तक की मार्किंग है, पेट्रोल वेरिएंट है, और भाई यहाँ पे आपको 220 तक की मार्किंग मिल जाएगी स्पीडोमीटर में। यहाँ पे कोल्ड हॉट और फ्यूल का गेज देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉपर लुक देता है, बिल्कुल बलेनो है यार, मैंने आपको पहले भी बताया, बस यहाँ पे ये टोयोटा का लोगो है इसीलिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भाई आपको ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही ये सपोर्ट करता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी में देखने को मिल जाएगा, 12 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाएगा, USB ऑक्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये 5 गियर आते हैं गाड़ी में, यहाँ पे हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा, पीछे आपको ये आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, छोटा आर्मरेस्ट है यार, कोई ज्यादा खास आर्मरेस्ट है नहीं। यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट देखने को मिल जाएगी, ये देखो पार्किंग लाइट जल रही है। ये ऑटो है भाई, ये ऑटोमेटिक डे और नाइट वाले हैं, वो वाला नहीं है जो उंगली करनी पड़ती है। ये भाई यहाँ पे आपको शीशा वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे भाई आपको एक शीशा देखने को मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे आपको एक शीशा देखने को मिल जाएगा। साइड से कुछ गाड़ी ऐसी लुक देती है, ऐसी कुछ गाड़ी लुक देती है। मैं गाड़ी का अगर आपको पीछे लेके चलूं तो भाई ये देखो, गाड़ी के मैं पीछे लेके चलूं अगर,
गाड़ी के अगर मैं पीछे लेके चलूँ आपको तो सेम दरवाजा मिलेगा आपको, बिल्कुल स्विफ्ट जैसा भी दरवाजा और बिल्कुल बलेनो जैसा दरवाजा ग्लेंजा का, कुछ फर्क नहीं है। पीछे ये देखो सफिशियंट स्पेस है यार, काफी अच्छी लेग स्पेस मिल रही है मेरे को यहाँ पे पीछे भी। ये देखो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा 12 वोल्ट का, ये आर्मरेस्ट मैंने बताया था। एसी वेंट आपको गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगे और पीछे कुछ गाड़ी ऐसी है, यहाँ पे ना तो आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा, ये एडजस्टेबल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पीछे भी एक लाइट आती है भाई, आगे भी एक लाइट है, अगर पीछे से कोई डैशबोर्ड देख रहा है तो उसको डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ उसको डैशबोर्ड दिखेगा। गाड़ी की अगर मैं बूट की बात करूं तो भाई गाड़ी में बूट स्पेस कुछ इतनी है, ये देखिए इतनी कुछ बूट स्पेस है गाड़ी में। देखो बिल्कुल न्यू गाड़ी है यार, MGF से भाई ने गाड़ी ली थी, बिल्कुल नई गाड़ी है, कोई मतलब 2000 किलोमीटर सारी गाड़ी चली है, तो आप खुद ही समझ लो क्या ही गाड़ी चली है। यहाँ पे आपको इसका स्पेयर व्हील यानी कि स्टेपनी देखने को मिल जाएगी, ये पार्सल ट्रे डिग्गी के साथ खुलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस मशीन की आवाज़ सुन लेना, सुनी ना ये भाई, यहाँ पे कैमरा भाई ने बाहर से लगवाया था, इस वाले वेरिएंट में दोबारा बता देता हूँ कैमरा नहीं आता। ये कुछ गाड़ी की प्रॉपर लुक है, BS6 है यार ये, ऐसी कुछ भाई गाड़ी पूरी दिखती है। मैं एक बार आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ, ये दरवाजे मैंने बंद करा यहाँ पे, मैं अगर गाड़ी के आपको अंदर लेके चलूँ तो अंदर से मैंने आपकी बात कर ही ली थी भाई कि गाड़ी कैसी दिखती है, पेट्रोल वेरियंट है ये। मैं ये दरवाज़ा बंद करता हूँ एक बार, ये मैंने दरवाज़ा करा बंद, आपको क्लच दबाना पड़ेगा, क्लच दबाया आपने, एक बार आप इसको दबाओगे स्टार्ट और ये आपके ORVM खुल जाएंगे। पेट्रोल वेरिएंट है भाई, बिल्कुल आवाज नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बताया है पेट्रोल वेरिएंट है, कुछ खास आवाज नहीं करता। ये अभी दरवाजा खुला हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, दो दरवाजे खुले हुए हैं इसलिए इसमें आती है। AC ऑन करूंगा तो RPM फ्लक्चुएट होता रहेगा क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है ये, इतनी कुछ कैबिन नॉइज है, आप सुनना देख लिया भाई, बिल्कुल ना के बराबर कैबिन नॉइज आती है। एक बार मैं आपको इसका बोनट खोल के दिखा देता हूँ भाई, जब AC ऑन करने के लिए काम कर देना, मैं एक बार आपको इसका बोनेट खोल के दिखा देता हूँ कि बोनेट में कितनी आवाज करती है AC ऑन और AC ऑफ दोनों के साथ, देखना यार। बिल्कुल वैसे तो अभी रिफाइन इंजन है यार कोई मतलब, ये देखो सेम इसमें वही 1200 cc का इंजन आता है, ये इसकी बेल्ट घूम रही है, ये ऐसे कुछ पेट्रोल इंजन आवाज करता है। AC ऑन करियो, ये देखो AC ऑन हो गया, ये आवाज करी गाड़ी ने, यहाँ पे पंखा होता है इसका, ये चलने लग जाता है स्विफ्ट की तरह। मैंने आपको अगर वीडियो में नहीं देखा तो स्विफ्ट की वीडियो में देखे, ऑफ कर दे, ये देखो पंखा बंद हो गया, ये बंद हो गया पंखा। तो भाई ऐसा कुछ इसका इंजन नॉइस थी। गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको, दोबारा मैं गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ तो गाड़ी के ओनर हमारे साथ आए हुए हैं सुमित भाई। तो भाई हैंड ब्रेक नीचे करूंगा मैं, ऐसे ही पेट्रोल गाड़ी है ना तो इसमें भी यही फैक्ट है, धीरे धीरे आपको रेस देनी ही पड़ेगी, अगर तुरंत छोड़ोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। फर्स्ट गियर लगाया, मेरे पैर देखना, ये देखो मेरे पैर है, ये देखो चलनी शुरू हो गई गाड़ी, बहुत प्यार से उठ रही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको गियर चेंज के दिखाता रहेगा, अभी फर्स्ट पे है, अभी फर्स्ट गियर लगा रखा है, अभी चेंज नहीं करना, थोड़ी सी रेस देता हूँ, देखना दिखा देगा कि एरो करके ऊपर कि भाई अब सेकंड लगा ले तू, ये देखो ये दिखा दिया। 20 के बाद भाई आपको यहाँ पे इसमें गियर सीट बेल्ट का अलर्ट सुनने को मिल जाएगा, भाई सीट बेल्ट पहन ले, यहाँ पे आपको भाई सीट बेल्ट का अलर्ट सुनने को मिल जाएगा। तो भाई सुमित गाड़ी कितने की पड़ी थी आपको? 840 की। गाड़ी चलने में कैसी है? बढ़िया है भाई, ओनर बता रहे हैं गाड़ी चलने बढ़िया है। कितने तक की एवरेज दे देती है भाई? 18 से 19 की। अभी पहली सर्विस हो गई होगी इसकी? हाँ। सर्विस तो क्या ही होती है, वो तो चेक ही करते हैं सिर्फ। अच्छा और कितनी भगा ली अभी टॉप? 160 चढ़ गई थी भाई। 160 KMP गया था? ना अंडरपास। अच्छा अंडरपास पे भाई ने 160 चढ़ा ली थी। तो भाई पिकअप कैसा है गाड़ी का? बढ़िया ठीक है मतलब। तो भाई आप एक बात बताओ, ये बिल्कुल सेम बलेनो है तो आपने ग्लेंजा क्यों ली? टोयोटा की वजह से थोड़ी सर्विसिंग वगैरह अच्छी है। हाँ। इसीलिए। तो भाई ने सिर्फ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये देखो ये इसका कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की मैं बात कर ही लेता हूँ आपसे। सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले वगैरह ये सब देखने को मिल जाएगा। बैक ऐसे ही आपको होम स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। FM कनेक्ट मीडिया फोन पे जाओगे, फोन ये सारा, ये भाई का फोन कनेक्ट हो रखा है, इसे बैक कर दो। यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा, फोन की बैटरी दिखाता रहता है, नेटवर्क दिखाता रहता है, ऐसा इसकी होम स्क्रीन आती है। ये थोड़ा रात में प्रीमियम लुक देता है, ऐसी कुछ गाड़ी दिखती है। फर्स्ट गियर में दोबारा गाड़ी को लेता हूँ, ये देखो। मैं तो यार स्विफ्ट चलाता हूँ तो मेरे को तो पता है कि कैसी है, मतलब उठने में तो बिल्कुल सेम इंजन है, 1200 cc का इसमें इंजन आता है और काफी अच्छी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यार अपने मतलब मेरा पर्सनल व्यू है, मैं बलेनो वालों को हेट नहीं करना चाहता, मेरा जो पर्सनल व्यू है ना यार वो तो मैं टोयोटा की तरफ ही ज्यादा जाता हूँ क्योंकि टोयोटा की सर्विसिंग अच्छी है। मैंने मान लिया इसमें कुछ भी अलग नहीं है उससे बलेनो से, मगर यार
टोयोटा इज टोयोटा, मेरे को टोयोटा अच्छा लगता है। आगे जाके ना यार आप स्विफ्ट की, ऐसे मेरे पास स्विफ्ट है, मैं स्विफ्ट ओन करता हूँ, मारुति की है भाई, मैं उसकी सर्विस करवाता हूँ ना, मेरे को पता है यार वो लोग क्या आपको जाहिल करते हैं और क्या उनकी कैसे वो घपला करते हैं। इस चीज में टोयोटा नंबर वन है। मेरे पास इनोवा है भाई, बहुत बढ़िया सर्विसिंग उसकी होती है। फॉर्च्यूनर मेरे पास थी भाई, उसको बेच के हमने इनोवा ली थी, बहुत बढ़िया सर्विसिंग थी यार, कोई दिक्कत नहीं आई थी मेरे को जब मैंने फॉर्च्यूनर भी रखी थी। और इनोवा तो मेरे को रखते हुए एक साल से ज्यादा हो ही गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैबिन नॉइज कितनी आती है सेकंड गियर में, देखना सेकंड गियर पे। वैसे तो यार ये सब कर रखा है मैंने, क्योंकि स्विफ्ट और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम इंजन है। मैं आपको थोड़ी सी इसको खींच के दिखाता हूँ, ये देखना सेकंड गियर में है। 2000 आरपीएम के बाद देखो कितनी पावर दिखाई, ये देखो कितनी कितनी स्पीड से बढ़ा, ये देखो कैबिन नॉइज सुनना। 80 के बाद ये यहाँ पे आपको टूटू सुनाई देने लग जाएगी। ब्रेकिंग गाड़ी की अच्छी है, मतलब कि ऐसा कुछ हॉर्न देखने को मिल जाएगा आपको, ये देखो ऐसा कुछ हॉर्न इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छी गाड़ी है यार, बढ़िया गाड़ी है। और ओनर भाई ज्यादा हमारे से बोल ही नहीं रहे हैं तो पीछे बैठ गया वो जानबूझ के भी। बिल्कुल बलेनो की बहन ही है ये, आप यूं लगा लो, मगर बलेनो से अच्छी है। मेरे से कोई कहेगा ना भाई तेरे पास 8 लाख रुपए हैं, 7 लाख रुपए हैं, तू कौन सी गाड़ी के लिए जाएगा, बलेनो या ग्लेंजा में से, आई विल गो फॉर ग्लेंजा। यार ग्लेंजा अच्छी है, कोई फर्क नहीं है गाड़ियों में, बिल्कुल सेम है गाड़ियां, बस मैं टोयोटा की वजह से आपको कह रहा हूँ कि बलेनो अच्छी, ग्लेंजा अच्छी है। तो भाई इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपना कोई पार्ट बताना जो मिसिंग रह गया हो मेरे से, मैं कवर ना कर पाया हूं। दोबारा बता रहा हूं भाई, वीडियो एंड करते हुए भी बलेनो वालों से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बलेनो भी बहुत अच्छी गाड़ी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर मेरे से कोई पूछेगा तो आई विल गो फॉर ग्लेंजा। ऐसे ही अगर मेरे को ब्रेजा या अर्बन क्रूजर में से कोई पूछेगा तो मैं उसको अर्बन क्रूजर ही सजेस्ट करूंगा। तो भाई गाड़ी चलाते हो सीट बेल्ट जरूर पहने, टू व्हीलर चलाते हो हेलमेट जरूर पहने। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।